दोस्तों तकरीबन 5 सालों से दर्शकों का लगातार भरपूर मनोरंजन करते आ रहा शो भाभी जी घर पर है आज भी दर्शकों का फेवरेट शो बना हुआ है, जो अपने हर एक एपिसोड से दर्शकों का खूब दिल जीतता है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरियल की स्टार कास्ट को, जो सीरियल में एक बड़ी फैमिली की तरह नजर आती है, जिनका अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। ये सीरियल इन कलाकारों के लिए इतना लकी साबित हुआ कि आज भी इन कलाकारों को इसी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिन्हें आज शोहरत के साथ साथ दौलत की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल भाभी जी घर पर है में काम करने वाले कलाकारों के बारे में नहीं, बल्कि उनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में बताने वाले हैं, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे की हर जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। तो आइए जानते हैं सीरियल में काम कर रहे इन बेहतरीन सितारों की खूबसूरत फैमिली के बारे में। नंबर 5, आसिफ शेख। सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर विभूति नारायण मिश्रा की जबरदस्त भूमिका निभाने वाले अभिनेता आसिफ शेख आज अपनी इस भूमिका को लेकर काफी पॉपुलर हो चुके हैं और दर्शकों से खूब तारीफें बटोर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी फैमिली की, तो इनके पिता साल 2017 में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं इनकी माँ और इनकी दो बहनें लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है और इनकी धर्मपत्नी जेबा शेख भी चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना पसंद करती है। वहीं इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, जो दिखने में बेहद क्यूट नजर आती है। नंबर 4, शुभांगी अत्रे। इस सीरियल में अंगूरी भाभी की मुख्य भूमिका को निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री शुभांगी अत्रे आज टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वह इनकी फैमिली की बात करें, तो इनकी फैमिली में मम्मी मिसेज अत्रे और पापा रूप नारायण अत्रे के साथ साथ बहन पूर्वा पूरे भी है, जो प्रोफेशन से एक्सचेंजर में SAP SCM विश्लेषण है और लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है। वहीं हमें अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके जीवन साथी पीयूष पुरे और इनकी बेटी आशी की कुछ तस्वीरें देखने को मिल जाती है। नंबर 3, रोहिताश गौड़। सीरियल में मनमोहन तिवारी की भूमिका निभा रहे अभिनेता रोहिताश गौड़ आज अपनी इस भूमिका के लिए हर घर में जाने जाते हैं, जिससे इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। वहीं इनकी फैमिली की बात की जाए, तो इनके पिता सुदर्शन गौड़े और इनकी माता लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है। वहीं इनकी पत्नी रेखा गौड़े एक हाउसवाइफ है और ये क्यूट सा कपल आज दो प्यारी सी बेटियों के दंपत्ति बन चुके हैं, जिनका नाम संजीति और गीति गौड़ है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आती है। नंबर 2, योगेश त्रिपाठी। इस सीरियल में दरोगा हप्पू सिंह की भूमिका भला कोई कैसे भूल सकता है, जो सीरियल के शुरुआती दौर से ही अपने ठहाके भरे किरदार से दर्शकों को हंसी से लोटपोट करते हुए नजर आते हैं और इस किरदार को निभा रहे हैं अभिनेता योगेश त्रिपाठी। वह इनकी फैमिली की बात करें, तो इनके माता पिता अध्यापक के तौर पर काम करते हैं और इनकी वाइफ सपना त्रिपाठी एक हाउस वाइफ है। वहीं योगेश और सपना त्रिपाठी आज एक प्यारे से बेटे के माता पिता बन चुके हैं, लेकिन योगेश त्रिपाठी की फैमिली मेंबर्स लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करते हैं और इसलिए हमेशा योगेश त्रिपाठी की फैमिली की तस्वीरें बेहद कम नजर आती है। नंबर 1, सोम्या टंडन। सीरियल में एक पढ़ी लिखी और चालाक महिला अनीता भाभी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री सोम्या टंडन अपने इस किरदार से काफी पॉपुलर हो चुकी है और दर्शकों से खूब वाहवाही भी लूट रही है। अगर बात करें इनकी फैमिली के बारे में, तो इनके पिता डॉक्टर BG टंडन एक प्रोफेसर और लेखक के तौर पर काम करते हैं। वहीं इनकी मम्मी लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है। इनकी एक बहन भी है, जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर अपना करियर सेट किया है। वहीं इनके लाइफ पार्टनर सौरभ देवेंद्र सिंह प्रोफेशन से MBA के CEO है, जो कि एक वेब प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ सोम्या टंडन आज एक क्यूट से बेटे की माँ भी बन चुकी है, जिनका नाम मिरान टंडन रखा गया है। तो दोस्तों आपको सीरियल भाभी जी घर पर है कि इन फेमस सितारों की फैमिली के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।